आपकी काफी एज हो गई है। 50 का हो गया है, बूढ़ा हो गया है। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और मेरा नाम है आकाश। वैसे आप लोगों को पता होगा कि 200K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हम लोग ने अभी अचीव किया है और उस स्पेशल ओकेशन पे हमने डिक्लेयर किया कि हम लोग Q&A वीडियो बनाने वाले हैं। आपने अपने सवाल हमें सेंड कर दिए, अभी हम लोग जवाब देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है एंजल फातिमा के तरफ से। आपके रिएक्शन तो होते ही क्यूट है, क्योंकि राज आपके एक्सप्रेशंस बहुत क्यूट होते हैं। बेस्ट रिएक्शन चैनल एंड वीडियोस, लव फ्रॉम पाकिस्तान। ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। वेल आगे है, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? हम पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर। एक्चुअली मैंने एक ट्रैवल एजेंट से भी बात किया हुआ है, उन्होंने बोला कि नॉर्थ पाकिस्तान विजिट करने का मौका नहीं मिलने वाला हम लोगों सिक्योरिटी रीजंस के वजह से। अच्छा अच्छा। जो पाकिस्तानी इंडिया में आता है उनको भी लिमिटेड एक्सेस होता है, और इंडियंस जो पाकिस्तान में जाता है तो हम लोग विजिट कर पाएंगे लेकिन मोस्टली सिर्फ सिटीज़ में, जैसे कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, ये तीन सिटीज़ में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग। तो फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे नॉर्थ पाकिस्तान में आने का। मैंने कुछ पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स से बात भी की है, उन्होंने बोला है कि अगर पुलिस से परमिशन मिल जाता है उधर जाने के बाद या एम्बेसी से, तो शायद हम लोग को मौका मिल सकता है, लेकिन हम लोग को रिटर्न एप्लीकेशन पाकिस्तान में जाने के बाद डालना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग नॉर्थ पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन कम है पॉसिबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहाम क्यूट की तरफ। सो क्यूट राज। मैंने बहुत बहुत ब्लश हो रहा है राज, बहुत ही। मतलब आप लोग को बोला था कि क्वेश्चन सेंड करो, यहाँ पर फ्लर्टिंग हो रही है हम लोग के साथ। हम लोग के साथ नहीं, तेरे साथ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। माय क्वेश्चन इज, कभी एग्जाम्स में चीटिंग की है? और ये क्वेश्चन है अहमद खान की तरफ से। कभी किया तूने चीटिंग? एक बार चीटिंग किया था मैंने ना, तब मैं पकड़ा गया था। मेरी मम्मी वगैरह को बुलाया गया था, बोलते हैं आपका लड़का चीटिंग करता है बोलते पेपर में। तो मैं तब से मतलब करता हूँ बहुत, मतलब करता था, अभी तो नहीं, करता था मैं बहुत बार, फिर भी करता था स्कूल में। यार हर कोई शैतानी करता ही है, आप लोग भी करते होंगे। या मेरा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक बार कॉपी करने वाला था, और मैं एग्ज़ाम्स में जाने से पहले जो कंपास बॉक्स होता है ना, जिसमें पेन और पेंसिल सब रखता है, उसमें मैंने पेंसिल से कुछ फार्मूलास लिख के रखे थे जिससे कि एग्ज़ाम में जाके मैं कॉपी करूँ। लेकिन फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद मेरा दिल बदल गया। मैं सोच रहा था ऐसे मार्क्स मिल के क्या फ़ायदा, तो मैंने एक्चुअली उसको इरेजर से छुप छुप के इरेज कर रहा था, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे वो इरेज कर रहा था। तो एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं की, लेकिन मैंने कुछ लोग को हेल्प किया हुआ, क्योंकि मैं वो टाइप का लड़का था जो स्कॉलर टाइप्स होता है ना, जो फर्स्ट या मैं टॉप 3 रैंक्स में हमेशा रहता था। मैं कभी हेल्प नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद के मेरे मानने थे। मैं पेपर में जब बैठता था तो मैं ऐसा सोचता था यार क्या, यार क्या है यार, इसका क्या आंसर है यार, ऐसा सोचता था। पर ऊपर वाला है जो पास कर दिया, पास कर दिया। और पीछे वाले भी दिखाते थे, दोस्त थे ऊपर वाला और पीछे वाला, दोनों का भी, पर सबसे ज्यादा पीछे वाले का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है परीशे खान की तरफ से, जो फेसबुक पे एक टॉप फैन है, तो इसका क्वेश्चन अच्छा ही रहने वाला है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने आंसर कर दिया है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? मेरा बचपन से एक बहुत बड़ा गोल रहा है, मुझे रिच बनना है। और रिच इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बर्ड्स और एनिमल्स को हेल्प करना है, बचपन से था। और आकाश तुझे भी पता रहेगा, मैंने वो कबूतर को सेव करने के लिए मेहनत किया था। वैसे मैंने आज तक, बचपन से लेके आज तक, बहुत सारे कबूतर लोग को सेव किया है, डॉग्स कैट्स को एनिमल शेल्टर तक लेके गया। जब उनको कुछ हो जाता है, लगा होता है उनको, या उन लोग तड़प रहे रहता है, तो रिच होना ज़रूरी नहीं होता उनको हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर मैं रिच हो जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लोग की हेल्प कर पाऊँगा। और आकाश तेरा गोल क्या? मेरा गोल ऐसा है कि मैं ना कितना भी मतलब रिच बन जाओ या और भी मतलब बहुत बड़ा इंसान भी बन जाओ ना, तो मुझे एक ऐसा रखना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिच बनने के बाद एटीट्यूड आ जाता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर किसी से ना टेढ़े मुँह बात करनी है, सबसे दिल से, सबसे अच्छे मन से और सबसे बहुत प्यार से बात करो, क्योंकि down to earth, हाँ डाउन टू अर्थ। क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना तो आपको भी वो रिस्पेक्ट देगा।
तो काफी इंप्रेसिव आंसर था आकाश का. नहीं सही सच में इंप्रेसिव आंसर क्योंकि रहना ही चाहिए, लॉयल हर किसी के साथ रहना चाहिए. एक्चुअली इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट CAA एंड NRC. ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है. देखो मुझे ये एक चीज पता है कि इंडियन मुस्लिम्स को इससे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि रिलीजन के बेसिस पे किसी को अलग करना. ऐसे सवाल मत किया करो यार. काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं अपना स्टैंड बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसे कोई भी लॉ के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्री में कभी भी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी रूल लेके आना गलत होता है, क्योंकि तूने भी देखा है लोगों में एक डर बैठ गया. तो इस रूल के अगेंस्ट में इसलिए हूँ कि बहुत जन को डर लग रहा है इससे, और कंट्री में कभी भी ऐसा डर का माहौल होना अच्छी बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज योर फेवरेट. ये क्वेश्चन है चौधरी आयशा की तरफ से, विच वन इज योर फेवरेट टिकटॉकर इन मेल एंड फीमेल. बाय द वे योर चैनल इज अमेजिंग, कीप इट अप, थैंक्स. तो फेवरेट टिकटॉकर फीमेल में मेरा अभी रिसेंटली एक नया फेवरेट बना है हफ्जा खान एंड अलीजे शाह. अभी तेरा मेरा मेल फेवरेट टिकटॉक स्टार ये है उमर भट्ट. और फीमेल में ऐसे तो मैं बताऊँ ना तो अभी आप लोग को पता है, लेकिन अरिका हक तो है ही, और अभी एक न्यू है जो रोमेशा खान है. रोमेशा खान को मेंशन करना चाहिए क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड है, गुड लुकिंग भी है एंड टैलेंट भी भर भर के. तो रोमेशा खान भी मेरी फेवरेट टिकटॉक स्टार है, और हफ्सा खान का भी वीडियोस काफ़ी मुझे अच्छा लगता है. हफ्सा का नाम भी मुंह पे मत लेके आना. तो मेरे फेवरेट मेल टिकटॉक स्टार्स में हसन आबिद है, ट्रांसफॉर्मेशन किंग है. उसके ट्रांसफॉर्मेशंस देखने में बहुत मजा आता है, बहुत एंटरटेनिंग है, आज एंजॉय बहुत करता है एक्चुअली उसके ट्रांसफॉर्मेशन. मैं हमेशा एक्साइटेड हो जाता हूँ उसके वीडियो में. और एक और पर्सन को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जुलकर नैन. वो ओवरऑल बहुत ही टैलेंटेड है, जैसे हसन आबिद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी टैलेंटेड है, ये ओवरऑल मुझे लगता है 360 डिग्री टैलेंटेड है. इसके लिए उसको मेंशन करना चाहता हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आप सब पूछना चाहते हैं एंड मैं अभी आंसर देने वाला हूँ, भाग्यश्री किधर है. तो भाग्यश्री ने जब इस चैनल से एग्जिट किया था 3 मंथ्स पहले, तो उसने बोला था कि वो 3 या 6 मंथ्स में वापस आ जाएगी. तो अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं, मैं उसको पूछने वाला था कि वापस कब आ रही है. तो उसके इंस्टाग्राम स्टोरी में मुझे आंसर मिल गया, नॉट एनी टाइम सून. तो पूछ के कुछ मतलब नहीं है. एंड ये भी है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का रिजल्ट जब आ जाएगा तभी कंफर्म पता चलेगा कि वो पूरी तरह से ये चैनल छोड़ने वाली है. तो भी वो शायद गेस्ट अपीयरेंस कभी कभी आ सकती है, लेकिन अगर उसको जॉब लग जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो परमानेंट पार्ट नहीं रहेगी इस चैनल का. तो डिपेंड करता है हर कुछ. एंड दैट्स इट. मैं कुछ 100% जवाब नहीं दे सकता, आप लोग डायरेक्टली भाग्यश्री को पूछ सकते हैं उसके इंस्टाग्राम पेज पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीहा अली के तरफ से, व्हाट इज़ योर वीकेस्ट पॉइंट एंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. तो मेरा क्या सवाल है यार. मेरा वीकेस्ट पॉइंट, मैं किसी से अपने इमोशंस ईजिली शेयर नहीं कर पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले मैं बहुत ही बुरे टाइम से जा रहा था, लेकिन मैं ना ही कैमरा पे वो एक्सप्रेस किया, ना ही मैं अपने फ्रेंड्स को बता रहा था. तो मैं बस अपने दुख को मेरे स्माइल के पीछे छुपा लेता हूँ. तो वो एक मेरा गलत बात है, मुझे सुधरना चाहिए, मुझे अपने जो फीलिंग्स है वो शेयर करने को आना चाहिए. बट अभी मैं बेटर हूँ तो आप लोग टेंशन मत लो. एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बोलना पड़ेगा. कुछ भी मेरे लाइफ में कुछ भी फेलियर आता है तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ और भी, या फिर ये फेलियर हुआ कुछ अच्छे के लिए हुआ रहेगा, मेरे लिए कुछ और रहेगा वैसा. तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या? मेरा यार, मैं ऐसा कोई सोचता नहीं हूँ. मेरा वीकेस्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं सोचता. तूने जॉब इंटरव्यूज नहीं दिया इसके लिए, अभी ये 19 ईयर्स का है. मुझे ये सवाल का जवाब इतने परफेक्टली क्यों पता था, क्योंकि जॉब इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछता है ज़रूर और इसमें आंसर करना पड़ता है. तो आप लोग हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हो बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है PIA के तरफ से, एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक अबाउट पाकिस्तान के लोग, यहाँ के लोग. तो पाकिस्तान के लोग, आकाश भी बोल सकता है ये चीज़,
अच्छे लोग हैं यार, कुछ ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आकाश जब स्टार्टिंग में चालू किया था रिएक्शंस, तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इतना ज़्यादा बात नहीं करता था, तो बहुत कम लोग ने क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोग सपोर्ट ही कर रहे थे। और जो लोग ने क्रिटिसाइज़ भी किया इसको, थैंक यू यार, उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब आकाश को डिफेंड करने के लिए लोग उनको रिप्लाई कर रहे थे कि अभी अभी नया आया कैमरा के सामने तो थोड़ा टाइम दे दो उसको, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट। आकाश तू ही बता, मेरे लिए कोई तो था जो आपस में झगड़ रहे थे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो किसी ने ऐसा सवाल किया यार ये हंसता नहीं है ना कुछ बोलता है, तो किसी ने तो कहा यार अभी अभी नया आया है वो, थोड़ा टाइम तो लगता है, वो बोलते कि तो फिर उन्होंने बोलता अरे फिर भी, तो बोलते कि अगर आप कैमरा के सामने जाओगे तो क्या आप डायरेक्ट कॉन्फिडेंटली हंस पाओगे इतना और इतना बोल पाओगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने बोला था ना, जो मेरे लिए डिफेंड कर रहा था, हाँ जो मेरे लिए डिफेंड कर रहा था ना, वो इंसान सही था, और जो सामने वाला था ना उसने फिर रिप्लाई किया ही नहीं उसको, तो भाई थैंक यू सो मच आपने उसको ऐसा कहा, तो आज मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली मैं फ्रीली बैठता हूँ और मैं फ्रीली एकदम ऐसा हाथ में मैं एकदम मस्त, मतलब इतना ज़्यादा फ्री क्यों हो गया मैं भी अभी तक इतना फ्री नहीं हुआ कि नहीं। मैं लेकिन अच्छा है, मतलब थैंक यू, मतलब जिसने भी मुझे यार इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं बुरा नहीं बोलूँगा यार, ना मैं कभी बोलता हूँ, ना मुझे कभी अच्छा लगता है किसी को बुरा बोलना, क्योंकि क्यों बोलना है किसी को बुरा। तो अभी आकाश इतना बदल गया है, कैमरा के सामने बात करते रहता है और मुझे बात करने के लिए रुकना पड़ा अभी तो मैं ये बोल रहा था कि इससे ज़्यादा सपोर्टिव ग्रुप ऑफ पीपल मैंने आज तक नहीं देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमाहा आयजा की तरफ से, आयजा राज, आप इंडिया के कौन से एरिया में रहते हैं, किसी किधर है मेरे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मुंबई के आसपास रहते हैं हम लोग, एग्जैक्ट मुंबई नहीं, मुंबई से अराउंड 50 किलोमीटर दूर, बट मुंबई एरिया में ही मानते हैं, मतलब मुंबई में ही, ऐसा ही समझ लो, लेकिन एक्चुअल मुंबई में नहीं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड भाग्यश्री किधर है, मेरे ख्याल से शादी हो चुकी है उनकी, शादी नहीं हुआ है उनकी, मतलब भाग्यश्री अराउंड 26-28 पे शादी करेगी, इमीडिएटली नहीं, एक दो साल तो लग जाएगा उसकी शादी को, तो ना उसकी सगाई हुई है ना शादी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्रा भट, राजस्लाव थैंक्स, व्हेन यू बोथ विल कम टू पाकिस्तान एंड मेक अ कोलैबोरेशन वीडियो विद अलीजे शाह एंड हफ्जा खान, ज़रूर ज़रूर, जब हफ्जा खान रिप्लाई कर देगी मेरे मैसेज का तब जाके कोलैबोरेशन होगा। अलीजे शाह से अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, हफ्जा खान ने खुद मैसेज किया था मुझे बताने के लिए कि उस 17 ईयर्स की हो चुकी है, और मैंने जब रिप्लाई नहीं किया तो आकाश को मैसेज किया था उसने कि राज को भी थैंक्स बोल देना, मैसेज देखा नहीं। तो मैंने जब फिर बाद में जाके आकाश ने कॉल किया कि हफ्जा बोल रही है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने जाके देखा उसका मैसेज आया हुआ था, जिम से निकला ऐसे मुझे मैसेज आया, तो मैं राज को कॉल किया, बोला हफ्जा खान का मैसेज आया यार, तुझे मैसेज किया तो ज़रा देख लें, क्योंकि हफ्जा खान ने मुझसे कहा कि राज को बोलना ज़रा मेरा मैसेज देख ले, तो मैंने मैसेज देखा और रिप्लाई किया, उसके बाद उसका जवाब नहीं आया, तो काफ़ी क्या है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चल रहा है, और वो 17 ईयर्स की है तो शादी में नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग पाकिस्तान में आते हैं तो हफ्जा खान से हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हम लोग शायद उसके टिकटॉक वीडियो में आ जाए और वो शायद हमारे यूट्यूब वीडियो में आ जाए, तो काफ़ी अच्छा होगा दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन महा एजाज की तरफ से, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशंस, योर परसेंटेज इन क्लास 11, क्लास 11 का कौन पूछता है, इंडिया में क्लास 10th सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, अच्छा ही मिला था मुझे। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन पे फोकस करता है, ये तो अभी छोटा है, इसके क्वालिफिकेशंस अभी तक फिक्स्ड नहीं है, 19 ईयर्स का है, जब ये 22-23 का हो जाएगा तब इससे ये क्वेश्चन पूछना। और मैं मास्टर्स इन कॉमर्स कर चुका हूँ एंड परसेंटेज देखा जाए तो 92.18 था इसमें 10th में, यहाँ पर 10th ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब 10th स्कूल लेवल का क्या शायद रहेगा इसलिए पूछ रहे हैं, उनके उधर थोड़ा डिफरेंट है एजुकेशन सिस्टम, हर कंट्री में थोड़ा डिफरेंट ही होता है, बट हमारे यहाँ जहाँ ये 10th के बाद कॉलेज में जाते हैं जूनियर कॉलेज,
देन सीनियर कॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हनीफ अली की तरफ से. हनीफ हमारा फैन पेज हैंडल करता है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो उसका लिंक, फैन पेज का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक इट आउट. उसको अगर आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हो कोई भी वीडियो का, अगर आपके पास रिक्वेस्ट होगा इस पर रिएक्ट करना है, उसको सेंड करोगे तो वो पहले चेक करेगा कि वो वीडियो अच्छा है कि नहीं. अभी रिसेंटली हमने जो न्यू टैलेंट्स है पाकिस्तान के जिस पे हम लोग ने रिएक्ट किया, वो सिंगर हो या यूट्यूबर हो, वो सब वीडियोस इसके थ्रू आए. इसने चेक किया पहले कि वीडियो अच्छा है कि नहीं, और जो अच्छे वीडियोस है वो फॉरवर्ड कर देता है, मुझे लिंक दे देता है और मैं उन पर रिएक्ट करता हूँ. और इसका क्वेश्चन पहले रीड कर लेता है. पाकिस्तान कब आ रहे हो, उसका जवाब दे दिया है. राज आप शादी कब कर रहे हो? जल्दी शादी, मैं सिर्फ 25 साल का हो यार, आपकी काफ़ी एज हो गई. 50 का हो गया है, बूढ़ा हो गया है, 25 साल का ही हुआ है. 50 साल का इंसान है, लग रहा नहीं है आपको? अच्छा, दाढ़ी वाड़ी एकदम कलर वलर करके एकदम ब्लैक. हाँ, एक्चुअली मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है. आपको शादी कर लेनी चाहिए, 25 साल का हो. दोनों देखो, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 30 ईयर्स आदमी लोग के लिए नॉर्मल शादी का एज माना जाता है. तो मेरे पास है अभी भी 4-5 साल है, आराम से, कोई घाई नहीं है शादी की. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिया आवान की तरफ से. राज हफ्सा से राज हफ्सा से कब शादी कर रहे हो? वो जब रिप्लाई कर देगी तब देखते हैं. एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट मेकिंग रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान वीडियोस? आई मीन यू कुड, हाँ, अलग टॉपिक चूज कर सकते थे. लेकिन मैंने जब रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था भाग्यश्री के साथ, तो मैं इंडियन वीडियोस पर रिएक्ट कर रहा था. इंडियन कार्टून्स जो होता है, डोरेमोन, शिनचैन, मतलब जो ओल्ड कार्टून्स है ना, जो अभी देख रहा था, अभी भी चलता है वो कार्टून्स, लेकिन मैंने जो बचपन में जो कार्टून्स देखे थे उस पर रिएक्ट कर रहा था. तो वैसा ओल्ड मेमोरीज वापस जागता है वैसे टाइप का था. फिर अचानक से मुझे पाकिस्तानी लोग की तरफ से रिक्वेस्ट आने लगे, एंड मैं तो क्यूरियस हुई, कुछ नया जगह दिखता है, उसके वीडियोस देखने में मज़ा आता है, तो मैंने देखना स्टार्ट किया. इतना ब्यूटीफुल था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत ही शॉक था. शॉक्ड होने की वजह से मैंने सोचा कि और भी देखते हैं, बाकी जगह भी सच्ची में इतनी अच्छी है क्या. तो पाकिस्तान पर रिएक्ट करते गए, यहाँ पर ऑडियंस बन गया, एंड इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं और किसी के पास गया ही नहीं फिर. तो वैसा डिसाइडेड कुछ नहीं था, मेरा प्लान नहीं था कि पाकिस्तानी वीडियोस पे बनाने वाला हूँ. स्टार्टिंग में वो कार्टून्स पे होने वाला था, ओल्ड चीज़ों पे रिएक्ट करने वाला था, बट लाइफ में कुछ कुछ फिट होता है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ अभी. आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, 2 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया हम लोग ने, कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा लेवल पर पहुँच पाऊँगा. पूरी एचएस पूछती है कि Who is your favorite singer? Don't forget to answer my question. Raat Fateh Ali Khan, most probably Raat Fateh Ali Khan hi hai. Abhi main top of the mind se bol raha hu. Atif Aslam bhi, unka voice kya hai yaar. Sahi hai yaar. Tune bhi wo react kiya tha na, kya shanti. Main sunta hu unke song. To Atif and Raat Fateh Ali Khan meri taraf se. Aur mere jo 90s mein सिंगिंग करते हैं, जो अभी भी करते हैं सिंगिंग, कुमार सानू तो आपको पता ही होगा. कुमार सानू अभी रिसेंटली बोलूँगा तो आतिफ असलम के सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आतिफ असलम, अरिजीत सिंह. ठीक है, दो ही बताना तेरे को, मैं फिक्स कर रहा हूँ. कौन सा? कुमार सानू और आतिफ. ठीक है, मेरा आतिफ एंड अरिजीत सिंह और आतिफ. मुझे ऐसे बोलने जाओ तो सिंगर्स मुझे बहुत अच्छे, मतलब जैसे कि सोनू निगम भी है, लेकिन इन्होंने एक पूछा था, हम लोग ने 2 बोला, इसके लिए मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, बट ये 3 तुझे बहुत पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम राजा की तरफ से. क्वेश्चंस फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, हाउ ओल्ड यू बोथ आर? मेरा तो ऑलरेडी पता चल गया, आप लोगों को 25 का हूँ. मेरा 19 यार, अभी भी टीनेजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? मेरा ब्लैक. मेरा पहले ब्लू था, लेकिन ब्लैक हो गया अभी. मेरा फेवरेट कलर है रॉयल ब्लू. रॉयल ब्लू भी काफ़ी अच्छा है. मुझे पहले बचपन से बहुत टाइम तक स्काई ब्लू पसंद था, फिर अचानक से ब्लैक हो गया मेरा फेवरेट. थैंक यू. व्हाट इज़ योर फेवरेट पाकिस्तानी एंड इंडियन ड्रामा?
पाकिस्तानी ड्रामास में देखा जाए तो बहुत सारे नहीं देखे, मैंने 5-6 देखे हैं एंड उसमें सब मुझे इतने अलग अलग वेस में पसंद आए। सुनो चंदा का कॉमेडी और लाइट हार्टेड नेचर पसंद आया, और खानी का जो ट्रेजेडी था, पहली बार मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा था, खानी जब देखा दैट वॉज बहुत ही ट्रेजिक। और प्यारे अफजल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, प्यारे अफजल का मैंने अभी लास्ट 2 एपिसोड्स नहीं देखा है सिर्फ, बहुत ही अमेजिंग रहा है अभी तक, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कितना अच्छा रेट करूँगा मैं उसको। तो उसका भी रिव्यू आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो तेरा, तूने अभी तक पाकिस्तानी ड्रामे, मैं पाकिस्तानी ड्रामा तो नहीं देखा अभी तक, इंडियन बोल रहे, इंडियन आप लोग भी देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो मेरा फेवरेट, और मैं हमेशा जैसे कि पुराने एपिसोड देखने होंगे तो मैं यूट्यूब पे देखता ही रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अभी ये पाकिस्तानी ड्रामा भी देखने वाला है मेरे साथ, इसने बोला है कि देखना चाहता है, को कहा था मैंने कि देखते हैं, मुझे भी देखना है। हाँ बट मुझे एक, हम लोग ने वो ओएसटी पे जैसे जैसे कि ये इकरा अजीज वो वाला मैं देखना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, राजा राजा कर दी। हाँ ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, वो तो आपका डिसीशन होगा, यूट्यूब पे पोल आ जाएगा, आप लोग जब सबसे ज़्यादा जिसको वोट्स देंगे जिस ड्रामा को उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे। आकाश बहुत ही एक्साइटेड है, मुझे पर्सनली खुद आके बोला कि मुझे देखना है तेरे साथ। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सबका आंसर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है आपको, या आपके क्वेश्चन को इग्नोर किया ऐसा लग रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जाने वाला हूँ कल दोपहर को 3 बजे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला है तो उधर पूछ लो, आकाश भी आने वाला है, ऐड करने वाला, तो आप दोनों नहीं, आप हम दोनों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो इंस्टाग्राम लाइव पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कैसा लगा ये क्यू एंड ए वीडियो? मज़ा आ रहा है सीरियसली, बहुत मज़ा वापस करने का मन कर रहा है, या ज़्यादा करना चाहिए हम लोग को, आई थिंक हम लोग को हर मंथ में एक बार कर लेना चाहिए क्योंकि फिर नए नए क्वेश्चन आएंगे लोगों के पास। सही है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं कल के लाइव में। हाँ बाय बाय।